नमस्कार, जय श्री कृष्णा। राकेश वानिया स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जैसा कि आपको मालूम है कि लेक्चर 39 का मेरा पार्ट नंबर 6 चल रहा है, जिसमें मैं दशा के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। और दशा के बारे में 5 वीडियोस मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये लास्ट वीडियो है। प्रॉबली नहीं, शायद कन्फर्मली ये लास्ट वीडियो ही है। इसमें मैं आपको जैसे इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट 5 में कि ग्रहों के बीच में दशा देखने के लिए ये भी जानना जरूरी होता है कि ग्रहों का धर्म क्या है और ग्रहों का आपस में संबंध है या नहीं है, या ग्रह सहधर्मी है या नहीं है। सहधर्मी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने त्रिकोण के ग्रह होते हैं, त्रिकोण के स्वामी होते हैं, वो आपस में सहधर्मी होते हैं। केंद्र के स्वामी होते हैं, आपके सहधर्मी होते हैं। सेकंड लॉर्ड और 11वें भाव का स्वामी आपका सहधर्मी होता है। 6, 8 और 12 के स्वामी भी आपके सहधर्मी होते हैं। सहधर्मी मीन्स कि जो एक चाहता है दूसरा भी वही चाहता है। तो वो अब त्रिकोण के स्वामी कैसे सहधर्मी हुए कि एक त्रिकोण का स्वामी चाहता है कि आपका भला हो, तो दूसरा त्रिकोण का स्वामी भी चाहेगा आपका भला हो, तो वो दोनों शुभ चाहते हैं आपका, तो ये सहधर्मी हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ग्रहों के संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ग्रहों में अगर आपस में संबंध बन जाता है तो वो म्यूचुअल प्लानिंग करते हैं बैठ के कि इस आदमी को कहाँ ले जाना है, इस आदमी को ऊपर ले जाना है या इस आदमी को फिट करना है। तो मतलब कहने का ये है कि वो डिपेंड करता है कि कैसे रिजल्ट वो देगा। तो अब कैसे करता है, बस मैंने आपको बताया कि संबंध के बारे में भी कि एक क्षेत्र परिवर्तन संबंध होता है। जब दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं तो क्षेत्र परिवर्तन संबंध होता है। जब दोनों ग्रह दृष्टि संबंध, जब दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों, पहला दूसरे को देख रहा हो, दूसरा पहले को देख रहा हो, तो दृष्टि संबंध आपस में हो जाता है। जब ग्रह दोनों एक साथ बैठे हों तो युति संबंध बन जाता है। जब दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में हों तो वो संबंध भी आपका ग्रह भी संबंधी हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो कि जैसे ये शनि और बुध हैं कि बुध यहाँ बैठा है शनि की राशि में, लेकिन दोनों में स्थान परिवर्तन नहीं है आपस में, दोनों में दृष्टि संबंध में नहीं है आपस में, दृष्टिविद क्योंकि शनि देख रहा है सिर्फ बुध को दृष्टि से, लेकिन बुध नहीं देख पा रहा है, दोनों में युति संबंध भी नहीं है, दोनों साथ नहीं बैठे, एक दूसरे के नक्षत्र में मान लेते हैं कि ये दोनों नहीं है तो ये संबंध में नहीं है, तो कौन सा संबंध इन दोनों के बीच में है? इनके बीच संबंध ये है कि बुध जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अपने घर को देख रहा है दसवीं दृष्टि से। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह एक ग्रह का संबंधी उसका डिस्पॉजिटर, अगर ग्रह का डिस्पॉजिटर उसको देख रहा हो तो वो भी संबंध एक संबंध बन जाता है। तो संबंध का और सहधर्मिता का बहुत फर्क पड़ता है दशा के रिजल्ट्स के ऊपर। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि बृहस्पति की दशा कैसी जाएगी, बृहस्पति की दशा कैसी होगी। अब इसमें एक चीज़ आप देखिए कि बृहस्पति जो आपका स्वामी है वो आपका 9th लॉर्ड है, 9 आज का स्वामी है, 9th भाव का एंड 12वें भाव का स्वामी है। तो बृहस्पति अपनी दशा में 9th भाव के फल देगा या 12वें भाव के फल देगा, ये बहुत डिपेंड करता है कि 9th भाव के फल कब देगा, 12वें भाव के फल कब देगा। चूंकि बृहस्पति ने ही अपनी दशा में भाग्य का फल भी देना है, धर्म का फल भी देना है, भाग्य वृद्धि करनी है आपकी, सब कुछ करना है आपको, रिसर्च के लिए भी आपको बड़ी हायर एजुकेशन के लिए भी प्रोत्साहित करना है, लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति ने आपका आपको व्यय का भी फल देना है, आपको एक्सपेंडिचर का फल भी देना है, सब कुछ करना है। तो वो फल कैसे कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, आप ये समझिए कि सपोज कीजिए कि किसी ऐसे ग्रह की इसके अंदर अंतरदशा आ जाए, यानी बृहस्पति इसमें दो चीजें हैं, बृहस्पति इसकी का धर्म इसमें क्या है, आपको आगे ले जाना, और 12वें के अनुसार धर्म थोड़ा है कि आपको पीछे भी रखना। अब इसमें किसी ऐसे ग्रह की दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, सपोज बुध की आ गई, बुध मालिक है 3रे भाव का और 6ठे भाव का, मतलब दोनों भाव इसके पास अच्छे भाव नहीं है, उस केस में हमें ये रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि उस केस में बुध का मकसद तो हमें है ही परेशान करना, रोग ऋण शत्रु देना या पराक्रम में हानि करना, उसका मकसद तो है ही है, बट साथ में चूंकि बृहस्पति के पास भी एक ऐसा अशुभ भाव है तो उस भाव के रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बृहस्पति की महादशा में अगर बुध की अंतरदशा आ जाए तो हमको रिजल्ट ठीक नहीं मिल पाएंगे। इन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मान लिया किसी ऐसे ग्रह की दशा यहाँ आ जाए तो आपको, क्योंकि अच्छा भाव उसके पास हो तो आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, कि दोनों में सहधर्म ये हो जाएगा कि ये भी आपका अच्छा चाहता है, दूसरा ग्रह भी आपका अच्छा चाहता है। जैसे दूसरे ग्रह का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सूर्य का। अब मान लिया सूर्य की अंतरदशा आ गई बृहस्पति के अंदर,
तो सूर्य आपका त्रिकोण का स्वामी है, तो सूर्य आपका भला चाहता है, बृहस्पति आपका त्रिकोण का स्वामी है, नयन का स्वामी है, यही भला चाहता है, तो बृहस्पति में सूर्य की दिशा बहुत अच्छी जाएगी, आपको सूर्य के फल बहुत अच्छे मिलेंगे, बृहस्पति के फल बहुत अच्छे मिलेंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा कैसी जाएगी किसी ग्रह में, क्योंकि वो जब होगा आपका कि जब आपका ग्रहों में संबंध आपके देखेंगे कैसे संबंध है आपस में, या ग्रह आपस में सहधर्मी है या नहीं है, वो भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब मालूम मान लिए ऐसा हो जाए कि आपके दो ऐसे ग्रहों की दशा है, सपोज़ कीजिए कि मैं इसमें बताता हूँ आपको, सपोज़ बहुत सिंपल एग्जांपल से आपका छठे भाव के स्वामी की दशा है, जो भी छठे भाव का स्वामी आपका हो, और आपका किसी और भाव का ले लेते हैं, या बुध की दशा ही लेते हैं हम लोग, जिससे बुध की दशा लेते हैं, बुध की दशा चल रही है, महादशा, बुध की महादशा चल रही है, तो ये तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, यानी इसके पास दोनों भाव अच्छे नहीं है, तीसरा भाव भी और छठा भाव भी दोनों अशुभ भाव कहे जाते हैं, तो बुध के पास ये दोनों भाव हैं। और सपोज कीजिए कि बुध के अंदर ऐसे ग्रह की दशा आ गई, बुध में मान लेते हैं कि बुध में दशा आती है से शनि की, शनि की अंदर दशा आती है, तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे, इसको सहधर्म और संबंध के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बुध जो है वो आपका भला नहीं चाहता, ये तो क्लियर है इस चीज से, इस कुंडली में, अनलेस कि बहुत स्ट्रांग ना हो, बहुत स्ट्रांग हो, अगर बुध स्ट्रांग हुआ तो जरूर ठीक है, अदरवाइज बुध आपका इसमें भला नहीं चाहता, क्योंकि बुध के पास दोनों भाव गड़बड़ हैं, रोगिण शत्रु का भाव भी उसके पास है, पराक्रम का भाव भी उसके पास है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स का भाव भी उसके पास है, और उसको उसमें शनि की अंतर्दशा मिल जाए, शनि के पास कौन से भाव हैं, कर्म का भाव है और लाभ वाला भाव है, और लाभ भाव तो चलो फिर भी ठीक मान लेते हैं, लेकिन लाभ भाव वैसे उसका स्वामी होना लाभ भाव का वो अशुभ माना जाता है, लेकिन ये है कि लाभ भाव में जो ग्रह जाता है या लाभ भाव का स्वामी जिस भाव में आता है उसकी वृद्धि होती है, तो लेकिन हमेशा ग्यारहवें भाव को भी अशुभ भाव माना गया है, 3, 6, 11 उसको अशुभ भाव माना जाता है। अब इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि शनि की अंतर्दशा है तो शनि के पास भी आपका 12वां भाव आ गया, सॉरी 11वां भाव, 10 शनि जो है 10H का और 11H का स्वामी है, तो इसमें क्या होगा कि आपस में शनि और बुध में क्या संबंध है, हाँ देखिए संबंध है, शनि 7, 8, 9, 10 दसवीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। अब क्या करेंगे ये लोग, तो शनि और बुध आपस में मिलकर कुछ फैसला करेंगे कि भाई क्या करना है, क्योंकि अपने आपस में संबंध हो गया, तो संबंध हो गया तो ये एक म्यूचुअल प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। म्यूचुअल प्लानिंग में बुध के पास भी गड़बड़ हाउस है, शनि के पास भी बहुत अच्छे हाउस नहीं है, तो हो सकता है रिजल्ट आपको अच्छा ना मिले, दशा अच्छी ना जाए आपकी। मतलब कहने का ये है कि आपके एक ग्रह की महादशा है, दूसरे ग्रह की अंतर्दशा है, और अगर महादशा और अंतर्दशा के ग्रह आपस में प्रॉब्लम यह है, संबंध है, और वो दोनों ग्रह अगर अच्छे नहीं हैं कुंडली के लिए, तो वो आपका एकदम जिसे कहना चाहिए बेड़ा गर्क कर देंगे, क्योंकि वो म्यूचुअल प्लानिंग कर लेंगे आपको कैसे नीचे ले जाएं। अगर वो दोनों अच्छे हैं, महादशानाथ भी शुभ है आपका, अंतर्दशानाथ भी शुभ है, लेकिन उनमें संबंध भी हो गया, तो दोनों की म्यूचुअल प्लानिंग से आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन महादशानाथ अशुभ है और अंतर्दशानाथ भी अशुभ है, और दोनों में प्लानिंग हो गई, आपने संबंध हो गया, तो उनकी दशा से, उनके संबंध से आप नीचे भी जा सकते हैं काफ़ी, क्योंकि दोनों ने आपको म्यूचुअल प्लानिंग करके आपको नीचे लेके जाएंगे। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ग्रह की दशा अंतर्दशा में कि ग्रह का संबंध क्या है, ग्रह का सहधर्म क्या है, वो दिखना बहुत आवश्यक है। अब जैसे इस कुंडली के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि बृहस्पति में एकदम इसमें थोड़ा सा आइडिया लेके बताते हैं आपको, यहाँ पे बृहस्पति में मंगल की दशा, बृहस्पति में मंगल की दशा कैसी जाएगी, यानी बृहस्पति महादशा है और मंगल की शायद अंतर्दशा है, ये मान लीजिए, तो ये कैसी जाएगी। बृहस्पति स्वामी है 9वें भाव का और 12वें भाव का, यानी त्रिकोण का स्वामी है। मंगल स्वामी है 1ले भाव का और 8वें भाव का,
यानी शनि भी मंगल भी त्रिकोण का स्वामी है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब दो त्रिकोण के स्वामी होते हैं तो आपस में सहधर्मी होते हैं, त्रिकोण का स्वामी चाहता है कि आपको आगे ले जाए, तो बृहस्पति में मंगल की दिशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति भी, बृहस्पति का धर्म है आपको आगे ले जाना, त्रिकोण का स्वामी है, और मंगल का धर्म भी आपको आगे ले जाना है, क्योंकि ये भी त्रिकोण का स्वामी है मंगल, क्योंकि पहला भाव त्रिकोण भाव भी कहलाता है, तो ये दिशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। दूसरी दिशा अगर हम देखें, बृहस्पति में चंद्र की दिशा कैसी जाएगी आपकी, तो चंद्र की दिशा देखिए आप, बृहस्पति का तो आपको मालूम है कि नवा भाव और बारहवां भाव है, और चंद्र के लिए आपका यह चौथा भाव है। अब दोनों कैसे होगा आपका, क्योंकि ये भी देखिए कि इसमें भी आपका एक त्रिकोण का स्वामी है, एक केंद्र का स्वामी है, एक त्रिकोण का स्वामी है, और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों लगन के मित्र भी हैं। आप देखिए, जैसे यहाँ पे चंद्रमा, ये आपका मंगल है, तो बृहस्पति भी मंगल का मित्र है, चंद्रमा भी मंगल का मित्र है, तो दोनों लगन के मित्र भी हैं, तो दोनों लगन का बुरा नहीं चाहेंगे, सीधी सी बात है, लगन के लिए अच्छा ही चाहेंगे, और दोनों आपस में मित्र भी हैं, दोनों आपस में भी मित्र हैं, तो और एक त्रिकोण का है, एक केंद्र का है, तो इसलिए ये दशा आपकी ठीक जाएगी, इसमें दशा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दोनों का संबंध आपको नीचे खींचना है या कुछ करना है, ऐसा कोई संबंध नहीं है, या ऐसा कोई सहधर्म नहीं है इनके अंदर, तो ये दशा भी आपकी अच्छी जाएगी। अब बृहस्पति में सूर्य देखें, अगर आप बृहस्पति में सूर्य देखिए, बृहस्पति में अगर सूर्य आप देखते हैं तो बृहस्पति भी त्रिकोण का स्वामी है और सूर्य भी त्रिकोण का स्वामी है, तो दोनों का धर्म क्या हो गया आपस में, एक दूसरे को आगे ले जाना, तो ये दशा आपकी बहुत शुभकारी होगी, दोनों में सहधर्म इनका हो गया, तो ये बहुत दशा आपको आगे तक ले जाएगी। और बाई चांस अगर बृहस्पति और सूर्य में संबंध भी बन जाए, मतलब दोनों ग्रह आपको आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ग्रहों में संबंध बन जाए कुछ इस तरीके से कि बृहस्पति और सूर्य दोनों साथ बैठे हों, तो आपका मतलब वल्ला वल्ला होती है, क्योंकि फिर वो आपको म्यूचुअल प्लान करके आगे ले जाएंगे, दोनों का एक तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव दोनों क्या है कि आपको आगे ले जाना, दोनों त्रिकोण के स्वामी हैं और साथ में संबंध बन गया, तो म्यूचुअल प्लानिंग होगी, यार इसको मिलकर आगे लेके जाना है तो कैसे लेके जाए, तो जब मिलकर आगे ले जाना है तो उस केस में तो वल्ला वल्ला होनी है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अगर दोनों ग्रह अशुभ हैं, दोनों ग्रह आपकी कुंडली में, आपकी दशा नाथ और अंतरदशा नाथ आपकी कुंडली में आपको नुकसान देने वाले हैं, और बाई चांस दोनों में संबंध बन गया, दोनों साथ बैठे हों, दोनों दूसरे को देख रहे हों, तो उस केस में दोनों म्यूचुअल प्लान करके आपको नीचे लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सहधर्मिता का और संबंध का बहुत फर्क पड़ता है, वो आपको ध्यान देना जरूरी है। तो जब भी आप कुंडली में दशा की स्टडी करें, तो इसमें मैं थोड़ा सा को आपको रिफ्रेश कर देता हूं, तो सबसे पहली चीज तो ये होती है, वो देखना जरूरी है कि कुंडली में जो ग्रह के फल मिलते हैं, वो फल मिलते हैं हमें दो तरीके से। नंबर वन, एक तो ग्रह फल देता है अपने इंडिपेंडेंट कारकत्वों के हिसाब से, जो मैंने आपको पीछे बताए। नंबर ग्रह फल देता है अपने भावों के हिसाब से, जिन भावों का वो स्वामी है। और फल कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो डिपेंड करता है कि ग्रह कितना स्ट्रांग है या कितना कैसा है, निर्बल है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कई बार दशा सब कुछ अच्छी लगती है कि अंतरदशानाथ भी योगकारी है, दशानाथ भी योगकारी है, लेकिन फल इतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं फल इतने अच्छे, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो दशानाथ है जो जिस नक्षत्र में हो और अंतरदशानाथ जिस नक्षत्र में हो, दोनों में आपस में 3-5-7 का फर्क हो, जो मैंने आपको पीछे बताया। तो अगर ऐसा फर्क आता है तो दशा अच्छे होते हुए भी आपको फल इतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, और आप ये सोचने विवश हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इतने दोनों योगकारी ग्रह थे, दोनों की दशा अंतरदशा थी, तो इतने अच्छे फल नहीं मिल पाए। या कई बार ऐसा होता है कि दोनों अशुभ ग्रह आपकी कुंडली में हैं और दोनों ग्रह की दशा अंतरदशा है अशुभ ग्रहों की, वो आपका दोनों का उसमें नुकसान बहुत होने वाला है आपका, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो पीछे मैंने आपको बताया आपको उससे कि फार्मूला देखे कि असेंडेंट नंबर लेना है आपने, किस में राशि में बैठा है वो नंबर आपने लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर अंतरदशा या दशानाथ जो है उसके पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, फिर 27 से डिवाइड करना है, तो वहाँ पर बैलेंस ऐसा आ रहा है जो कि 15 नहीं है, 14 नहीं है, 13 नहीं है, तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ जाता है कि इतने नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि वो बैलेंस ठीक आ रहा है उसके अंदर। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, देखने वाली होती हैं, तो आप एक चीज़ पे ही डिसाइड मत कीजिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए, आपने एकदम कुंडली देखी, आपने कहा दोनों ग्रह योगकारी हैं, आपने ये भी देखा कि दोनों ग्रह योगकारी होने के साथ साथ संबंधी भी हैं, सहधर्मी भी हैं, तो आपने कहा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए, लेकिन इतने अच्छे नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हो सकता है कि महादशानाथ अंतरदशानाथ का जो नक्षत्र आपस में है वो मैच नहीं कर रहा हो, वो 3-5-7 का नक्षत्र हो, जिससे कि
प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही हो, तो वो चीज़ भी देखनी बहुत आवश्यक होती है हमें। अगर वो भी सही चीज़ मैच कर रहा है तो फिर तो समझिए कि आपको बढ़ने से कोई आगे नहीं रह सकता, आपको 110% फल मिलेंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और आपको समझ में आई होगी तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अंदर इस नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बताना चाहूँगा लेक्चर 40 से कि जब भी कुंडली देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए कुंडली देखने से पहले, किस तरह से कुंडली को देखना स्टार्ट करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किस तरह की वो चीज़ करने में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी भी कमेंट्स करिए, पूछिए, मैं कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश पूरी करूँगा। और बस ये है आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, उससे ही मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।